हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ज्यूरिसप्रूडेंस एक्ट। ओके, सो जितने भी एक्ट हैं हमारे जो ज्यूरिसप्रूडेंस में हम लोग पढ़ते हैं उन सब के बारे में एक हम लोग ब्रीफ इंट्रो लेंगे कि उसमें है क्या, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सो हमारा जो फर्स्ट है, जो एक्ट है, उसका नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सो सबसे पहला एक्ट हम लोग ज्यूरिसप्रूडेंस में यही पढ़ते हैं कि हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो कब आया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें क्या क्या रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हुए थे। सो इसका जो ये जो एक्ट है वो हमारा 1940 में आया था। उसके बाद फिर जो इसके रूल्स आए थे वो हमारे 1945 में आए थे। ओके, सो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जो जितने भी ड्रग्स हैं हमारे इंडिया में जो प्रिवेल कर रहे हैं, सोल्ड हो रहे हैं, ओके, तो वो क्या हमारे सेफ हैं, हमारी इफेक्टिव नेस उनकी क्या है, जो हमारी बॉडी में अप्लाई होते हैं, कॉस्मेटिक्स हो गए, ड्रग्स जो हम लोग इनटेक करते हैं उनका क्या थेरेप्यूटिक रिस्पांस है, ओके, उनकी स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या है, वो सब जो है हम लोग इसमें पढ़ते हैं, वो सब जो है इसमें कवर किया जाता है। क्या करते हैं, टू एंश्योर दैट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स सोल्ड इन इंडिया आर सेफ, इफेक्टिव एंड कन्फर्स टू स्टेट क्वालिटी स्टैंडर्ड। ओके, क्वालिटी हम लोग को उसकी अच्छी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। ओके, सो दे जो है इसका ऑब्जेक्टिव था। ओके, इसके बाद जो इसके रूल्स थे जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट में कब इस्टेब्लिश करे थे, हमारी जो 1945 में। ओके, इसके क्या था रूल में कि क्लासिफाई की गई थी ड्रग्स किसमें, अंडर द गिवन शेड्यूल्स एज पर द प्रेजेंट गाइडेंस ऑफ स्टोरेज, सेल, डिस्प्ले और उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है। ओके, जो RMP प्रिस्क्राइब करते हैं उनके हिसाब से जितने भी ये जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स हैं, ओके, तो इनको एक डिफरेंट शेड्यूल्स के अंदर कैटेगराइज किया गया था। ये शेड्यूल्स का हमारा लेक्चर बन गया है, एक शॉर्ट वीडियो है, उसको आप लोग देखेंगे आसानी से उसको याद कर पाएंगे। सो हम उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाके उसको प्रेफर कर सकते हैं। सो आगे हमारा क्या है, इसमें हम लोग मेनली किस कैटेगरी में डिवाइस करते हैं शेड्यूल्स के, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, सेल, डिस्प्ले, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ईच शेड्यूल। ओके, उसके बाद फिर आता है हमारा फार्मेसी एक्ट। सॉरी, फार्मेसी एक्ट जो था वो हमारा आया था 1948 में। ओके, तो इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव इसका क्या था हमारा, टू रेगुलेट द प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी। ओके, फार्मेसी जो हमारे फील्ड है वो हमारा रेगुलेट करने के लिए, उसका जो प्रोफेशन है, उसकी प्रैक्टिस है हमारे इंडिया में, उसका स्टेटस जो है उसको रेस करने के लिए ये हमारा फार्मेसी एक्ट जो है आया था हमारे इंडिया में। ओके, सो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट था फार्मेसी का, PCI, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, हमारा जो PCI थी वो हमारी रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए, हमारे जो इन्वॉल्विंग द एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन होता है जितना भी एजुकेशन का, वो हमारी कंट्रोल करता है PCI। देन आता है हमारा जो PCI है उसके क्या क्या सेक्शंस थे। ओके, सेक्शन 3 में जो चैप्टर 1 है उसका सेक्शन 3 में इसमें, ठीक है, इसके अंदर ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूट करा गया था। जो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल थी वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, कॉन्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। फार्मेसी जो PCI है, PCI हमारी 5 ईयर्स के बाद हमेशा रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। इसके बाद इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो मेनली सबसे पहला कौन सा होता है, इलेक्टेड मेंबर होता है, सेकेंड इज नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, उसके बाद फिर हमारे आते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। ओके, इसके बाद फिर होता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट जो होता है वो 1919 में आया था। इसमें क्या होता है, ये हमारा जो एक्ट है वो पास हुआ था 3 सितंबर 1919 इन इंडिया। ओके, टू कंट्रोल द प्रोफेशन फॉर सेल एंड द सेल वेयर होल सेल और रिटेल ऑफ एनी स्पेसिफिक पॉइजन, ठीक है। पॉइजन की जो हमारी सेल थी, हमारी हो चाहे वो होल सेल में हो चाहे रिटेल में हो, उनके उनको जो है कंट्रोल करना, उस प्रोफेशन को हम लोग को कंट्रोल करना था, इसीलिए हम लोगों ने एक एक्ट लाया पॉइजन एक्ट। ओके, उसके बाद फिर क्या है हमारा पॉइजन का नीड क्या होता है, पॉइजन जो एक्ट आया था उसमें सर्टेन प्रोविजंस थे रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक पॉइजन, ठीक है, उनको अप्लाई करना था। ओके, जितने भी प्रोविजंस थे कितने किसके लिए, हमारे जो स्पेसिफिक पॉइजंस थे उसके उसको जो है अप्लाई करना था, उसके ऊपर एक रूल एंड रेगुलेशन लाना था कि किसी भी चीज़ के, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट में कोई भी फार्मासिस्ट या कोई भी होलसेल या रिटेलर जो है उसको जो है सेल नहीं करेगा। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कंट्रोल करना और रेगुलेट करना हमारा जो इंपोर्ट है या सेल है उसका, किसका, पॉइजन का। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, इसको रेगुलेट करती है इंपोर्ट उसका। उसके बाद फिर जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो इसका प्रोफेशन, ये प्रोफेशन जो है या सेल है इसका, या सेल किसका, पॉइजन का, वो जो है रेगुलेट करती थी सेकेंड सेंट्रल गवर्नमेंट। देन आता है हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ओके, सो मैजिक रेमेडीज को कंट्रोल करने के लिए, उनके जो एडवर्टीजमेंट वगैरह थे इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बनाया था, ये मेनली एक्ट हमारा कब आया था, 1954 में। ओके, ये एक्ट जो था वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उसने लाया था। उसके बाद फिर क्या करना था हम लोग का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करना था। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोहिबिट द एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग एंड रेमेडीज दैट आर
क्लेम टू हैव अ मैजिकल प्रॉपर्टी, जिनकी क्या है मैजिकल प्रॉपर्टी, जो लोग जो है वो क्लेम कर रहे थे कि इनकी कोई मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं या कोई भी जैसे नई बीमारी आ गई तो उसकी हम लोग ऐसे सही कर देंगे या वे ये वो फालतू मतलब चीज़ों से उसको सही कर देंगे. ओके तो इन सब के एडवर्टीजमेंट को इनको प्रोहिबिट करने के लिए हम लोग जो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है वो पास हुआ था. उसके बाद फिर आता है हमारा मेडिकल टॉयलेट एंड प्रिपरेशन एक्ट. ओके सो इसमें क्या है कि हमारे जितने भी एक्ट हैं इसमें मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि इसको जो कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज़ एक्सरसाइज ड्यूटीज़ जो थी मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट की, कि मतलब मेडिकल या टॉयलेट प्रिपरेशन कौन कौन, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब अल्कोहल का यूज़ होता है, नारकोटिक ड्रग्स का यूज़ होता है, तो इनके यूज़ को लिमिटेड करने के लिए, ठीक है, इनकी प्रोवाइड करना, इसकी जो यूनिफॉर्मिटी है, इनके रूल्स, ठीक है, उनको एक मतलब एक प्रोविजन था, एक दायरा था कि इसको इसकी इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि हम लोग उसके जो वो है क्या बोलते हैं उसका जो सेल है या उसका जो यूज़ है उसको थोड़ा सा लिमिटेड वे में यूज़ कर सकें. ओके सो इसके बाद फिर आता है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. ठीक है, ये हमारा एक्ट जो था वो 1971 में आया था. उसके बाद फिर इसमें क्या था कि मेनली इसका ये जो एक्ट था ये प्रोवाइड करता था हमारी जो लीगली हम लोग प्रेगनेंसी को इस एक्ट के दौरान हम लोग टर्मिनेट करवा सकते थे. जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मेडिकल प्रेगनेंसी मतलब मेडिकल ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी मदर को हार्म हो रहा है या हमारा जो एबॉर्शन मतलब एबॉर्शन किया जा रहा है बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, ताकि हमारी जो मदर की हेल्थ है और लाइफ है वो इफेक्ट हो रही हो, इसलिए हम लोग मेडिकल जो है टर्मिनेशन करते हैं किसका, प्रेगनेंसी का, इसीलिए हमारा ये एक्ट जो है वो लागू किया गया था. देन आता है हमारा नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट. ये हमारा एक्ट आया था 1985 में. ये बात ध्यान रखिए कि जो एक्ट्स के जो ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो उसको जो है बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत है. ओके जो NDPS एक्ट है वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट दैट प्रोहिबिट अ पर्सन ऑफ और अ प्रोडक्शन, जितना भी हमारा जो कल्टीवेशन पर्पस था किसी का भी जो भी साइकोट्रॉपिक जो हमारे सब्सटेंसेज होते हैं नारकोटिक सब्सटेंसेज हैं उनके ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कंजप्शन इन सब्स को जो है एक एक्ट में एक रूल एंड रेगुलेशन से उसको हमारा चलाने के लिए हम लोग ने ये एक्ट जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट जो है वो लाया था. ओके मेन एक्ट इसका जो क्या था कि कंसोलिडेट एंड अमेंडेंट द लॉ रिलेटिंग टू द नारकोटिक ड्रग्स. ओके मेक स्ट्रिक्टनेस प्रोवाइड कर रहे थे ताकि उनका जो कंट्रोल है रेगुलेट कर सकें और जो भी मतलब इसको जो है जो नारकोटिक और साइकोट्रोपिक जो एक्ट थे. ओके उसके बाद फिर आता है हमारा लास्ट है बट नॉट द लीस्ट ओके ड्रग प्राइस DPCO एक्ट. ओके ये हमारा जो एक्ट था वो 1995 में आया था. अब इसमें हर एक जो वर्ड है DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इन सब का एक अलग अलग मीनिंग है, तो सबसे पहले उसको समझते हैं. ड्रग क्या होती है, जो हमारी कोई भी एक डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करे, उसको डायग्नोस करे, उसको मिटिगेट करे, उसको क्योर करे, उसका ट्रीटमेंट करे, वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है या कोई भी सब्सटेंस उसको हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है ड्रग. प्राइस क्या है, जितना भी अमाउंट मनी या किसी भी एक सेट कंसिडरेशन है किसके लिए, एक सेल के लिए, किसको सेल करना है कस्टमर को एक स्पेसिफिक जो है वैल्यू के अंतर्गत. ओके उसके बाद फिर कंट्रोल टू एक्सरसाइज री स्टैंडिंग और डायरेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ओवर. ओके उसके बाद फिर आता है हमारा ऑर्डर. ऑर्डर क्या है, एक अथॉरिटेटिव कमांड है ओके या डायरेक्शन है जिसको हम लोग या फिर हम लोग कह सकते हैं मेनली एक इंस्ट्रक्शन है. ओके सो इसमें क्या था कि हमारा जो ऑर्डर था उसको इशू करते हैं कौन इशू करती है, गवर्नमेंट. ओके अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारे इनेबल्स टू फिक्स द प्राइस. कोई भी एक ड्रग है चाहे वो बल्क में हो चाहे वो यूनिट में हो उसका एक जो प्राइस था वो फिक्स कर दिया गया है ताकि जो जितने भी वो हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी मतलब अपने डिमांड से अपनी मनमानी से जो है ड्रग को ना सेल करें, उसका मनचाहा प्राइस ना लगाएं, इसलिए एक प्रॉपर जो है प्राइस टैग लगा दिया गया कि हाँ आप इतने से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं या इतना ही रखेंगे. ओके इतने ही दायरे में रहेंगे. सो ये एक्ट जो है इसलिए लाया गया. तो ये था पूरा हमारा टॉपिक. अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हम लोग के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करिए. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग.